नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की प्रमुख खबरें। अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश का भरोसा तोड़ा, कहा अन्ना हजारे ने। आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से अन्ना हजारे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपनी पार्टी संभालने के लिए कड़े कदम उठाना होंगे। अन्ना का कहना है कि केजरीवाल ने उनके ही नहीं पूरे देश के विश्वास को तोड़ा है। हजारे ने कहा कि अरविंद ने जिस उद्देश्य को लेकर आपका गठन किया था, वह उद्देश्य कहीं पीछे चला गया है। जिस तरह से अरविंद के खिलाफ मामले सामने आ रहे हैं, उस कारण वे दुखी हो गए हैं। दिल्ली के कानून मंत्री तोमर की डिग्री फर्जी। स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। एक याचिका दायर कर आपके कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री को फर्जी बताया गया है। अब उन पर फर्जी स्नातक डिग्री रखने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि जिस व्यक्ति ने तोमर के खिलाफ यह याचिका दायर की थी, अब वह याचिका वापस लेना चाहता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने फर्जी डिग्री से संबंधित याचिका वापस लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तोमर ने स्नातक की फर्जी डिग्री के आधार पर वकील के रूप में पंजीयन कराया है। खूबसूरत होता है दक्षिण भारतीय महिलाओं का शरीर, जदयू नेता शरद यादव ने कहा। जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव ने राज्यसभा में चल रही बहस के दौरान महिलाओं पर टिप्पणी की। इस दौरान उन्हें संसद की गरिमा का ध्यान भी नहीं रहा। राज्यसभा में शुक्रवार को बीमा बिल पर चल रही बहस के दौरान यादव ने अचानक ही दक्षिण भारतीय महिलाओं की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि साउथ की महिलाएं सांवली तो होती हैं, लेकिन उनकी बॉडी खूबसूरत होती है। यादव जब यह टिप्पणी कर रहे थे तो अधिकतर सांसद विरोध जताने के बजाय हंस रहे थे। यादव ने अपनी टिप्पणी का यह कहते हुए बचाव किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। दरअसल यादव जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने बीमा क्षेत्र में देशी निवेश 26-49% करने के प्रस्ताव को गोरी चमड़ी को लेकर भारतीयों की सनक से जोड़ दिया था। शिवसेना ने सचिन तेंदुलकर पर निशाना साधा। टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र के कारण सचिन तेंदुलकर पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि क्रिकेट के महान खिलाड़ी को सूखा प्रभावित किसानों के बारे में भी बात करनी चाहिए। वरिष्ठ शिवसेना नेता और राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर राउत ने बताया कि राज्य में टोल प्लाजा को लेकर उनके रुख का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन टोल को लेकर प्रभावित होने वाले लोगों की जब बात कर रहे हैं तो उन्हें किसानों के मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। सूखे के कारण मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इस मुद्दे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी का हुलिया पूछा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का हुलिया जानने के लिए दिल्ली पुलिस उनके दफ्तर पहुंची। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचने के बाद उनका हुलिया जानने के लिए सवाल पूछे। पुलिस ने उनकी आंख, बालों के रंग आदि के बारे में पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पूछा कि राहुल कैसे दिखते हैं, राहुल की आंखों और बालों का रंग कैसा है। इस दौरान ऑफिस के मैनेजर ने पुलिस को राहुल का फोटो भी दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह जानकारी सिक्योरिटी सर्वे के लिए हासिल की गई थी। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पूछताछ के माध्यम से राहुल की जासूसी की गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।